गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये स्टडी करेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लोग स्टरलाइज करेंगे, कोई ग्लासवेयर्स हो सकता है उसको स्टरलाइज करते हैं, मीडियम होता है या मीडिया होता है जिसको हम लोग कल्चर के लिए यूज करते हैं उसका हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाई विच रिमूव kills और deactivate all forms of life, all forms of life को क्या करते हैं, kill करते हैं। वो prokaryotic हो सकता है या eukaryotic cell हो सकता है, यानी इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को kill करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, हेलमिंस हो गया। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कील करते हैं। कुछ प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है लैब में, उस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, वो माइक्रोबायोलॉजी लैब में अगर कोई सरफेस है, कोई हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे स्टरलाइज करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं। तो कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस by which we kill the माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, kill करते हैं। and there are two types of methods applied in the microbiology lab for sterilization। दो तरह का methods होता है जो हम microbiology lab में sterilization के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहला इसमें मेथड्स में पहला मेथड आता है फिजिकल मेथड, पहला मेथड होगा वो फिजिकल मेथड, और दूसरा होता है केमिकल मेथड बोलते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या आता है, फिजिकल मेथड में सबसे पहले जो आता है वो आता है इसमें सनलाइट। तो एक्चुअली सनलाइट का यूज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये फिजिकल मेथड्स में आता है सनलाइट। तो सनलाइट क्या होता है कि सनलाइट ये नेचुरल, एक नेचुरल फेनोमेनन होता है जिससे क्या होता है रिवर में, ठीक है, ये रिवर हुआ, पॉन्ड्स हुआ, लेक हुआ, या ये टैंक में जो वाटर होता है वो स्टरलाइज होता है। तो आज के डेट में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सनलाइट जो होता है 100% वाटर को स्टरलाइज कर दे। तो एक्चुअली होता क्या है कि सनलाइट जो होता है सनलाइट कंटेन द अल्ट्रावायलेट रे। तो उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रे होने के कारण क्या होता है कि वो सरफेस जो वाटर होगा रिवर में या पॉन्ड्स में या लेक में, तो उसको क्या कर देता है, ये स्टरलाइज कर देता है। और ऐसे भी जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक, ये जनरली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है दे हैव रिक्वायर अ मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो ऐसे भी जहाँ सनलाइट अगर डायरेक्ट पड़ रहा है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने का चांस कम रहता है। तो ये सनलाइट को कहते हैं कि ये एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, देता है। और नेचुरल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन ये है, और इससे जो होता है ये जो रिवर में ये यूवी रे कंटेन करेगा तो वाटर जो होगा टैंक्स में, रिवर में और लेक्स में, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर होगा उसको क्या होता है, ये सनलाइट के थ्रू क्या होता है, स्टरलाइज हो जाता है। इसके बाद आता है सेकेंड, इसमें आता है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीट मेथड। हीट मेथड हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं। तो ये हीट मेथड जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब फॉर स्टरलाइजेशन। दो तरह के हीट को क्या करते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो पहला जो इसमें आता है ड्राई हीट, और ड्राई हीट का भी जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें आता है रेड हीट आता है, फ्लेमिंग आता है और इंसिनरेशन आता है।
ये एक्चुअली जो ड्राई हीट होता है, तो ड्राई हीट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है रेड हीट। रेड हीट क्या होगा, जैसे हम लोग बंसेन बर्नर जलाते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, या स्प्रिट लैंप को हम लोग क्या करते हैं जलाते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और उस पर क्या होगा, ये रेड हीट से, यानी अगर कोई स्प्रिट लैंप जल रहा है, कोई बंसेन बर्नर जल रहा है, तो उस पर क्या करता है, हम लोग हीट करते हैं इनोकुलेटिंग लूप को। यह कह सकते हैं कि जो रेड हीट होता है, रेड हीट का हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो उससे किस चीज़ का स्टरलाइज करेंगे, इनोकुलेटिंग लूप को या इनोकुलेटिंग वायर का हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग स्टरलाइज करते हैं। तो ये रेड हीट जो है, रेड हीट से क्या करेंगे, इनोकुलेटिंग वायर का। इनोकुलेटिंग वायर क्या होता है, जब माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम इनविट्रो कल्चर करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जब हम लोग ग्रो कराते हैं, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें क्या होता है, सैंपल को इनोकुलेट करते हैं। तो जो सैंपल से जिस सैंपल को जिससे हम लोग इनोकुलेट करते हैं, उसको इनोकुलेटिंग वायर या इनोकुलेटिंग लूप बोला जाता है। जैसे सपोज कहीं नदी नाले में कहीं से पानी को लेकर हमको क्या करना है, उसको कल्चर करना है कि क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनोकुलेटिंग लूप से उसको क्या करते हैं, 1-2 ड्रॉप क्या करते हैं मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद पेट्री प्लेट में उसको इनोकुलेट किया जाता है। तो उस इनोकुलेटिंग वायर को हम लोग स्प्रिट लैंप पर या बंसेन बर्नर पर पहले हीट कर देते हैं, तो हीट करने से वो रेड दिखने लगता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेड हीट। इसके बाद आता है फ्लेमिंग। उस स्प्रिट लैंप पर जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो कराने के बाद जब स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेनिंग करते हैं, जैसे सपोज ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लास स्लाइड हो गया, तो ग्लास स्लाइड को ऐसे हम लोग हीट करते हैं, फ्लेमिंग करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग करने से क्या होगा, इस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो कील हो जाता है। या मीडिया प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं, तो मीडिया प्रिपरेशन में क्या होगा, कल्चर वायल हुआ या फ्लास्क होता है, उसके माउथ को स्टरलाइज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिट लैंपर या बंसेन बर्नर जलता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके माउथ को ऐसे फ्लेमिंग कर लिया जाता है। तो फ्लेमिंग करने से क्या होता है, ये हीट होगा और उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या हो जाता है, कील हो जाता है। तो ये ड्राई हीट में पहला आ गया रेड हीट, और दूसरा आता है फ्लेमिंग, और तीसरा इसमें आता है, ये ड्राई हीट में ही आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स क्या होता है, कि ये एक आयरन का टैंक होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग हॉस्पिटल से जो जेनरेट होता है, ये मेडिकल वेस्ट जो होता है उसको स्टरलाइज किया जाता है। जैसे उसमें नीडल हो गया, जो ये स्टील वगैरह का जो बना रहता है, मेटल का बना रहता है, तो उसको इंसिनरेशन कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है उसमें, तो वो क्या होता है, बर्न हो जाता है। बर्न मीन्स क्या होता है, जल गया, जल के क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो ये फिजिकल मेथड में पहला देखा सनलाइट, उसके बाद आता है इसमें हीट, हीट में भी ड्राई हीट, और ड्राई हीट में आता है रेड हीट आता है, फ्लेमिंग आता है, और इंसिनरेशन आएगा। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग ड्राई हीट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हॉट एयर ओवन। ये हॉट एयर ओवन में जितने भी ग्लास वेयर्स रहता है, जैसे फ्लास्क हुआ, ये मेजरिंग सिलेंडर हुआ, उसके बाद बीकर हुआ, ठीक है, ग्लास सिरिंज हुआ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, और उसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो कैसे स्टरलाइज करेंगे, तो ये हॉट एयर ओवन जो होता है एक बॉक्स के जैसा रहता है, उसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए नॉब लगा रहता है। तो अब क्या करेंगे कि उसमें फ्लास्क को, जिस चीज़ को हम लोग, जो ग्लास वेयर्स को उस स्टरलाइज करना है, उस हॉट एयर ओवन में हम लोग क्या कर देते हैं, ये हॉट एयर ओवन में ये हम लोग रख देते हैं, हॉट एयर ओवन में। और हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर हम लोग सेट कर देते हैं 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स के लिए हम लोग रख देते हैं। जनरली 1 to 2 आवर्स के लिए रख दिया जाता है इसमें। तो 160 डिग्री टेम्परेचर पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें सब कील हो जाता है। तो जो ग्लास वेयर्स रहता है, वो ग्लास वेयर्स एक्चुअली बना रहता है, कंपनी होती है, उस कंपनी का नाम है बोरोसिल
बोरोसिल कंपनी। तो बोरोसिल कंपनी बोरोसिलिकेट ग्लास बनाती है, जो वो बोरोसिलिकेटेड जो ग्लास होता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए हॉट एयर ओवन में जब हम लोग 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रखते हैं 1 to 2 आवर्स के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कील हो जाता है। कील होने के वो कील होगा, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं 1-2 घंटे के बाद उसको, तब उसका जो है हॉट एयर ओवन को खोला जाता है। अगर अचानक उसको ऑफ करने के बाद हम लोग खोलते हैं तो क्या हुआ, बाहर का टेम्परेचर कम है, रूम टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो अचानक अगर खोल दिया जाए तो जो ग्लास वेयर्स है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये हुआ हॉट एयर ओवन। इसके बाद आता है मॉइस्ट हीट। इसमें हमने देखा कि ये हीट में ड्राई हीट आया, ड्राई हीट में भी रेड हीट होता है, फ्लेमिंग होता है, इंसिनरेशन होता है। और माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हॉट एयर ओवन बोला जाता है। और हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 आवर्स। तो उसके बाद आता है मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट जो होता है, मॉइस्ट हीट भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए मॉइस्ट हीट का यूज किया जाता है। तो मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो होता है मॉइस्ट हीट। क्यों? क्योंकि उसका लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। तो मॉइस्ट हीट में सबसे पहले आता है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन जैसे क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं, सुधा डेयरी का आता है, अमूल का आता है, तो उसको पाश्चुराइज किया हुआ रहता है, यानी उसको स्टरलाइज किया हुआ रहता है, यानी उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कील कर दिया गया रहता है, यानी उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया रहता है। तो पाश्चुराइजेशन का भी क्या होता है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन का टू मेथड्स जो होता है, पहला मेथड्स जो होता है उसको बोलते हैं होल्डिंग मेथड बोला जाता है, ये होल्डिंग मेथड हो गया। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ्लश मेथड बोला जाता है। तो ये होल्डिंग मेथड जो होगा, ये होल्डिंग मेथड में क्या होता है, जिस चीज़ का भी हमको स्टरलाइज करना है उसको हम लोग ये 63 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। 60 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग मेथड। उसके बाद इसमें आता है, इस पाश्चुराइजेशन में आता है फ्लश मेथड। फ्लश मेथड में क्या होता है, 72 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर पर हम लोग 20 सेकेंड के लिए रखते हैं। जैसे सपोज कि मिल्क का पाश्चुराइजेशन करना है, तो मिल्क का पाश्चुराइजेशन करना है तो ये होल्डिंग मेथड पे क्या करेंगे, 60 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है मिल्क को, और क्या करेंगे 30 मिनट्स तक उसको बॉयल करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये होल्डिंग मेथड बोला जाता है। और इसके बाद आता है फ्लश मेथड। तो फ्लश मेथड में मान लेते हैं कि मिल्क को अगर हमको स्टरलाइज करना है तो मिल्क को क्या करेंगे, 72 डिग्री टेम्परेचर पर 20 सेकेंड के लिए रखा जाता है। और सडनली अचानक जो है उसको लाते हैं, ये कूल कर दिया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर उसको बॉयल किया गया, और कितना देर के लिए, 20 सेकेंड के लिए। और सडनली उसको 20 डिग्री सेल्सियस से किस पे लाते हैं, 13 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लश मेथड। इसके बाद आता है एक टेक्निक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए, ये हाफ एन आवर फॉर 3 डेज के लिए हम लोग इसमें लगातार 3 दिन तक जो है 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रखा जाता है। और फिर नेक्स्ट डे यानी 3 consecutive days रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पाइजेशन। उसके बाद आता है, इसमें एक आता है वैक्सीन बाथ। ये मॉइस्ट हीट में आता है। वैक्सीन बाथ का हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए, और सीरम के लिए, और बॉडी फ्लूड्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये बैक्टीरियल जो वैक्सीन होता है इसको बैक्टीरिया, अगर कोई वैक्सीन प्रिपेयर हुआ है बैक्टीरिया से वैक्सीन, उसको स्टरलाइज करना रहता है, तो उसको हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर पर 1 आवर के लिए रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं वैक्सीन बाथ। या सीरम को, सीरम क्या होता है कि ब्लड होगा, तो ब्लड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड जो होता है ये बना रहता है ब्लड सेल से और प्लाज्मा से। और ब्लड सेल्स जो होता है ब्लड में वो कितना होता है, 45%, और 55% क्या होगा, प्लाज्मा होता है। और उस वो जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, एक्चुअली वो क्या होता है, वाटरी पार्ट होता है। और वो वाटरी पार्ट जो होगा, यानी
प्लाज्मा 55% हुआ वो वाटरी पार्ट होता है और प्लस उस मतलब ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा में वाटर होता है प्लस सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो वाटर जो होता है वो लगभग जो है 91% होता है और उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होगा उसमें भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होता है, तो ऑर्गेनिक कितना होगा 7% और इनऑर्गेनिक कितना होता है 1% होता है। तो ये सीरम, सीरम मीन्स क्या हुआ कि ब्लड है, ब्लड किससे बना है, ब्लड सेल से बना है और प्लाज्मा से बना हुआ है, और प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें यानी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर जो बच जाता है वो सीरम होता है, तो सीरम को अगर क्या करना है स्टरलाइज करना है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स है उसको स्टरलाइज करना है, तो उसको हम लोग 56 डिग्री टेम्परेचर पर फॉर सेवरल डेज के लिए रखा जाता है। जैसे आज 56 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हीट किया, फिर कल 56 पर, दो चार पाँच दिन तक इसको हम लोग हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर सीरम के लिए और बॉडी फ्लूइड्स के लिए, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन बाथ। तो ये किस में आता है, इसमें मॉइस्ट हीट में आता है। उसके बाद आता है बॉइलिंग। हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ को स्टरलाइज करना है, जैसे वाटर को स्टरलाइज करना है, तो वाटर को क्या किया जाता है 10 से 30 मिनट मतलब 10 to 30 मिनट्स तक क्या करते हैं उसको हम लोग बॉयल करते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है किल हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखा माइक्रोबायोलॉजी लैब में हीट मेथड्स जो है स्टरलाइजेशन का, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, हॉट एयर ओवन, वैसे ही मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है लैब में, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटो क्लेव, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को रफली हम लोग बोल सकते हैं जो घर में जो हम लोग कुकर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर, घर में जो यूज प्रेशर कुकर किया जाता है एक्चुअली वो ऑटोक्लेव है, लेकिन प्रेशर कुकर में हमें प्रेशर पता नहीं चलता है। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटोक्लेव। तो ये ऑटोक्लेव में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को रख देते हैं, ठीक है, उसमें ग्लास वेयर्स का स्टरलाइजेशन करते हैं, तो ग्लास वेयर्स फ्लास्क को रख दिया, ठीक है, या कल्चर मीडियम, एक्चुअली जब माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम इनविट्रो कल्चर करते हैं तो इनविट्रो कल्चर के लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, तो मीडिया प्रिपरेशन अगर हमें करना होगा तो मीडिया प्रिपरेशन में सबसे पहले उस मीडिया का क्या करते हैं, ये एक एक अमाउंट लेकर और क्या करते हैं डिस्टिल वाटर में डिजल्व करेंगे, डिजल्व करने के बाद उसको ऑटोक्लेव किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, तो ऑटोक्लेव में उसमें रखेंगे, उसमें वाटर रहता है और वेपर बनता है। तो जैसे प्रेशर को एग्जांपल लेते हैं, प्रेशर कुकर है घर पे, तो एक सीटी देता है जब प्रेशर कुकर, दैट टाइम द टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ही क्या होता है लैब में जो हम लोग ऑटोक्लेव यूज करते हैं, जस्ट लाइक वो क्या होता है प्रेशर कुकर होता है, उसका टेम्परेचर स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर कितना जाता है, वन ऑटोक्लेव का 121 डिग्री सेल्सियस, और उस समय द प्रेशर विल बी 15 LB, प्रेशर कितना होगा 15 LB, अगर प्रेशर अगर कम है 10 है तो 121 डिग्री से टेम्परेचर क्या होता है ये कम हो जाता है। तो ऑटोक्लेव का यूज हम लोग जब माइक्रोबायोलॉजी लैब में करते हैं तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होता है 120 डिग्री होता है और प्रेशर कितना होता है 15 LB। तो ये ड्राई हीट जो होता है, हॉट एयर ओवन जो होता है, ड्राई हीट प्रोवाइड करता है और ऑटोक्लेव जो होता है मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है। तो इन कंपेरिजन टू द ये ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट जो होता है ये मोर इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में कुछ मीडियम ऐसा होता है जिसको हम स्टरलाइज हीट मेथड से नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हीट मेथड से जब उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, फिल्टर पेपर को यूज किया जाता है। फिल्टर पेपर, कुछ फिल्टर पेपर्स होता है जो सेलुलोज का बना रहता है, उस फिल्टर पेपर को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं स्टरलाइजेशन फॉर मीडियम, या ऐसे ऐसे लिक्विड को हम लोग उससे स्टरलाइज करते हैं जिसमें क्या होगा, जैसे मीडियम हमने बनाया या मीडिया बनाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करने के लिए, तो उस मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसको अगर हम हीट मेथड से अगर उसको स्टरलाइज करते हैं तो वो क्या होगा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है उस
डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस मीडियम को हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली क्या होता है, फिल्टर मेथड से, ये फिल्टर मेथड से हम लोग उसको फिल्टर करते हैं। तो ये जो होता है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। या एक फिल्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिली पोर फिल्टर, वो सेलुलोज का बना रहता है, उसके पोर का साइज जो होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, बैक्टीरिया इससे छोटा नहीं होता है। तो इस फिल्टर से जब हम लोग मीडियम को फिल्टर करते हैं तो बैक्टीरिया जो होगा वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो जितने भी हीट सेंसिटिव मीडियम है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, हम लोग ये स्टरलाइजेशन का मेथड है हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग रेडिएशन का भी हम लोग यूज करते हैं फिजिकल मेथड्स में। तो रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, दो तरह का रेडिएशन होता है। फर्स्ट जो है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, और सेकंड जो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया जैसे एक्सरे, गामा रे। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाता है विजिबल रे, इंफ्रारेड, ठीक है, यूवी रे। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का हम लोग यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, और कल्चर के लिए हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो जो होता है डिपेंड्स अपॉन द अल्ट्रावायलेट रे। तो लेमिनार एयर फ्लो में क्या होता है, सारे जो हम लोग को अगर कल्चर करना है तो मीडियम को, फ्लास्क को, जो चीज़ भी होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो में रख देते हैं, और स्विच एक लगा रहता है, उस स्विच को ऑन करते हैं, उससे अल्ट्रावायलेट, उसमें ट्यूब रहता है, बल्ब रहता है, वो अल्ट्रावायलेट रे प्रोवाइड करेगा। और उसमें आगे एक प्रोटेक्टिव ये ग्लास रहता है, प्रोटेक्टिव, यूवी प्रोटेक्टिव रहता है। तो अंदर में सारे चीज़ों को रख दिया, यूवी लाइट को ऑन कर दिया, तो यूवी लाइट को 5 to 10 minutes के लिए हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है। रिसर्च पर्पज़ से करना हो तो 30 minutes के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार क्या होता है, यूवी लाइट प्रोवाइड हम लोग करते हैं। तो यूवी लाइट क्या करता है, यूवी लाइट में ये यूवी लाइट पर डिपेंड करता है कौन सा, लेमिनार एयर फ्लो जो होता है उसका प्रिंसिपल देखेंगे तो क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द अल्ट्रावायलेट रे। तो ये अल्ट्रावायलेट रे जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, उसका जो जीनोम होगा, जीनोम मतलब टोटल डीएनए कंटेंट बाय द बैक्टीरिया या सेल, तो उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं, या उसमें जो डीएनए होगा उस डीएनए को क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज कर देता है, तो जब हम लोग डीएनए का स्टडी करेंगे तो डीएनए क्या होता है, उस न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ ये बेस शुगर एंड फॉस्फेट, बेस और शुगर और फॉस्फेट से बना रहता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिज इन द न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए, एक प्यूरीन होता है, पाइरिमिडीन। तो ये नॉन आयोनाइजिंग जो होता है अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो क्या करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, और ये क्या होगा, थाइमिन का डाइमर बना देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा, फिजिकल मेथड देखा स्टरलाइजेशन का, पहला देखा फिजिकल मेथड में ये सनलाइट को देखा, सनलाइट के बाद देखा इसमें हीट, देखा हीट में भी ड्राई हीट होता है और मॉइस्ट हीट होता है। तो ये ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट जो होता है बैक्टीरिया में क्या करेगा कि जो उसका प्रोटीन है उसको कोगुलेट कर देता है, उसको डिनेचर कर देता है, न्यूक्लिक एसिड को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा कि ये रेडिएशन में क्या होता है, ये भी क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को डैमेज कर देता है। तो ये है फिजिकल मेथड्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का केमिकल मेथड्स क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, केमिकल मेथड्स यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। थैंक यू।